पीएससी घोटाले मामले को लेकर दुर्ग जिला भाजपा ने युवाओं के बीच पहुंच चलाया हस्ताक्षर अभियान। पीएससी मामले में कांग्रेस सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और युवा मोर्चा अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में मंगलवार को दुर्ग के साइंस कॉलेज के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं का चयन करने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी शासकीय एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सारे नियमों को ताक में रखते हुए कांग्रेसी नेताओं एवं पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे एवं अन्य रिश्तेदारों का पक्षपातपूर्ण चयन किया गया। इस चयन प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के योग्य होनहार और मेधावी युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। इस मौके पर भाजपा के युवा मोर्चा अध्यक्ष जीत हेमचंद यादव ने भी अपनी टीम के साथ कॉलेज के युवाओं को इस अभियान में जुड़कर कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए पीएससी घोटाले के भ्रष्टाचार के विरोध में हस्ताक्षर करने की अपील की, जिसके तहत बड़ी संख्या में कॉलेज के बाहर लगे पंडाल पर युवा पहुँच अपना हस्ताक्षर करते नजर आए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है कि प्रदेश के सबसे बड़े परीक्षा, सबसे बड़े पदों के लिए, प्रशासनिक पदों के लिए जो परीक्षा होता है पीएससी, छत्तीसगढ़ के पीएससी परीक्षा में जम के भ्रष्टाचार हुआ है, केस माननीय न्यायालय में है। इस छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों के जो पालक हैं, बच्चे हैं, वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा पीएससी फाइट करे, यूपी पीएससी फाइट करे और भारत माता का या छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि अभी जो पीएससी के रिजल्ट आए हैं उसमें 3-4 लोगों के परिवार के 14-14 लोग टॉप कर गए हैं। इसमें पीएससी के अध्यक्ष और एक अधिकारी खलको और मंत्री के रिश्तेदार एक एक घर में 4-5 पद पीएससी से सिलेक्शन करके गए, जिसमें करोड़ 2 करोड़ कई कई करोड़ रुपया के भ्रष्टाचार सिद्ध होगा माननीय न्यायालय में। हम आज साइंस कॉलेज दुर्ग, बीआईटी कॉलेज दुर्ग, महिला महाविद्यालय दुर्ग के सामने हस्ताक्षर अभियान लगाए हैं कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति भविष्य में इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने का साहस न कर पाए। पीएससी घोटाले के जो दोषी लोग हैं, सारे के सारे दोषी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, जो भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। दूसरा, सीबीआई जांच होना चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज जो पीएससी में जो घोटाला हुआ है उसके मांग को लेकर आज हम युवाओं के बीच आए हैं साइंस कॉलेज हस्ताक्षर अभियान करने। आप देखिए, जैसे उच्च न्यायालय का फैसला आया है जो 18 लोग को निलंबित किया गया है, बर्खास्त किया गया है ना, उसके खिलाफ हम जागरूकता अभियान चलाने, हस्ताक्षर अभियान चलाने आज युवाओं को बिचारे आगे भी खिलवाड़ मत हो सके और ये युवा जान सके, ये भ्रष्टाचारी सरकार को समझ सके, उसके लिए हम ये हस्ताक्षर अभियान चलाने आए हैं। ये भ्रष्ट सरकार एक तो युवाओं को बोले थे उस समय, घोषणा पत्र में भी बोले थे उस समय कि 2500 रुपये देंगे, वो भी नहीं दिए। अलग से उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ, गरीब परिवार के बच्चा सोचता है कि हम पढ़ाई करके पीएससी फाइनल करके हम अधिकारी बनेंगे, कलेक्टर, लेकिन इन लोग तो अपने घर के फपूती समझ लिए हैं। सब नेता जितने भी, जो टामन सिंह सोनवानी जो खुद अध्यक्ष है, उनके रिश्तेदार लोग हैं, ये लोग सब अपने फपूती समझ के घर के सब आपसी सब रिश्तेदार सब नौकरी में लग गए हैं और आम जनता को क्या हक नहीं है कैसी से, इसके विरोध में आज हम लोग साइंस कॉलेज आए हैं युवा मोर्चा हस्ताक्षर अभियान चलाना युवाओं के बीच। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।